बॉलीवुड इंडस्ट्री में अजय देवगन और काजोल जाना माना नाम है। दोनों ने कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में उनकी बेटी निशा देवगन को ट्रोल किया जाता है, उसके बाद उनके पिता अजय देवगन काफी परेशान नजर आए हैं। बेटी निशा देवगन के लिए लोगों की नफरत को देखकर काफी परेशान है अजय देवगन, और इसी को लेकर हाल ही में उन्होंने कई सारी बातें की है। बेटी निशा देवगन के लुक से लेकर उनके कपड़ों तक पे जो लोग सवाल उठाते हैं, उसको लेकर अजय देवगन पहली बार बोले हैं। अजय देवगन ने पहली बार निशा और उनके बेटे युग की ट्रोलिंग के बारे में बात की है। अजय देवगन 3 दशकों से ज्यादा टाइम तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। उन्होंने अपनी करियर के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे, जिसमें हाल ही में ऑनलाइन ट्रोलिंग और गाली गलौज भी शामिल है। उनके बच्चों के लिए हालांकि ये सब नया और काफी हैरान करने वाला है, खासकर बेटी निशा देवगन के लिए। निशा को अक्सर ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है, कभी उनके लुक्स के लिए, तो कभी कपड़ों के लिए, तो कभी उनके लाइफ स्टाइल को लिए। हाल ही में एक इंटरव्यू में अजय देवगन अपने बच्चों निशा और युग पर लगातार स्पॉटलाइट के बारे में बात की है। खासतौर जो ट्रोलिंग और दुर्व्यवहार निशा को ऑनलाइन झेलना पड़ता है, उस पर उन्होंने काफी कुछ कहा। 19 साल की निशा देवगन स्टूडेंट है। अजय देवगन और पत्नी काजोल बार बार कह चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं। हालांकि निशा मुंबई में कई पार्टीज में स्पॉट की जाती है। हाल ही में निशा देवगन के कपड़ों और उनके जेस्चर ने सोशल मीडिया ट्रोल्स को गुस्सा दिला दिया, और जिसके बाद उनकी ड्रेस को लेकर लोगों ने काफी खरी खोटी सुनाई। निशा देवगन को आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, जिसके बाद अजय देवगन काफी परेशान नजर आए हैं। जिस तरीके से उनके बच्चों को ट्रोल किया जाता है, उसको लेकर अजय देवगन ने कहा कि आपको उन्हें लगातार समझाना होगा कि वो जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उससे उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। आपके ऑडियंस में ट्रोल्स के नंबर बहुत कम है। मुझे नहीं पता कि इस तरीके की नेगेटिविटी कैसे होती है। मैंने इसे नजरअंदाज करना सीख लिया, और अपने बच्चों को भी मैं ऐसा ही करने की सलाह देता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि कभी कभी वो क्या लिखते हैं, इसलिए मैंने उन्हें परेशान होने नहीं दिया। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। जिस तरीके से निशा को उनके लुक और कपड़े को लेकर काफी ट्रोल किया जाता है, उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। खास तौर पर निशा को ऑनलाइन ट्रोल के बारे में बोलते हुए अजय ने कहा कि ये मुझे परेशान करता है, क्योंकि आप इसे बदल नहीं सकते। आप रियलिटी में नहीं जानते कि क्या करना है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें लिख दी जाती हैं जो सच नहीं होती, लेकिन अगर आप रिएक्शन देते हैं तो वो बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। इसलिए ये एक पेचीदा सवाल है। मैं अक्सर इन बातों पर खामोश रहता हूँ, लेकिन निशा को जिस तरीके से उसके कपड़े और उसके जेस्चर को लेकर ट्रोल किया जाता है, वो वाकई मुझे बहुत परेशान करता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अजय देवगन की बेटी निशा देवगन आए दिन पार्टीज में स्पॉट होती हैं। उनके कई सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पर आते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें काफी गंदा गंदा कमेंट कर सुनाने की कोशिश करते हैं। अजय देवगन लगातार उनके इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं और देखते रहते हैं कि उनकी बेटी के बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं। निशा देवगन के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर कुछ लोग उन्हें बहुत ज्यादा बला बुरा कहते हैं, जिसके बाद पिता अजय देवगन जो है, उनका रिएक्शन पहली बार सामने आया है। निशा के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अजय देवगन का एक मैसेज है कि ऐसी चीजें ना किया करें जिससे कि उनके बच्चों पर गलत असर पड़े। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।